तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले पुणे यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन सेशन 2023-27 को लेकर के। जैसे कि फ्रेंड मैं बता दूं, पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑनलाइन स्टार्ट काफी टाइम पहले हो चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 22/5/2023 से ये स्टार्टिंग हो चुका है और लास्ट डेट इसका फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे 4/6/2023 रखा गया। वहीं पे फ्रेंड फीस की बात करिए तो जनरल ओबीसी के लिए ₹600 चार्ज है और SC ST के लिए ₹300 यहाँ पे चार्ज रखा गया फीस के लिए। फ्रेंड आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड मिलती रहता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड तभी आपको जो कि जब इसका मेरिट लिस्ट आएगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तब आपको पता चल पाएगा कि इसका कब मेरिट लिस्ट आएगा। तो इसलिए आपको सारा डिटेल्स की जानकारी मिलती रहेगी फ्रेंड, तो आप जो कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड आपको इस वेबसाइट पे आना है। इस पे आने के लिए फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सिंपली आप वहां पे क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहां पे आने पर फ्रेंड यहां से आपको फर्स्ट नेम बताना है, मिडिल नेम बताना है, लास्ट नेम बताना है। अगर फ्रेंड आपका नाम जो है कि फर्स्ट और मिडिल है तो सिंपली आप फर्स्ट और लास्ट नेम फिल कर देंगे। अगर आपका नाम ABC है तो फर्स्ट में A डालेंगे फ्रेंड और सेकंड में B डालेंगे और थर्ड में जो है कि C डालेंगे। इस तरह से आप फिल कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड यहां से अपना मोबाइल नंबर बताएंगे, ईमेल ID क्या है फ्रेंड वो बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे फ्रेंड, सिंपली यहां पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाता है सिंपली। उसके बाद यहां पे जो है कि मंथ ईयर्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां से साल आ जाता है, सिंपली साल पे क्लिक करेंगे। यहां से राइट लेफ्ट करके आप स्वाइप कर सकते हैं, आपका जो भी फ्रेंड ईयर है आप वो चूज कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग बता देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड पासवर्ड बनाएंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, ये वाला कैप्चा यहां पे फिल करेंगे, कैप्चा डालेंगे फ्रेंड और OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड। पासवर्ड किस तरह से बनाना है फ्रेंड आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उस तरह से देख करके आप पासवर्ड बना लेंगे। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा, OTP यहां पे डालेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको सिंपली लॉग इन करना होगा। अगर फ्रेंड इनकेस अगर आपका यहां पे जो है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता या फिर OTP आपको 1-2 मिनट लेट से आता है तो आप वेट करेंगे, OTP डाल के अप्लाई नाउ करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी अगर एक बार ट्राई करते नहीं होता, अगर दोबारा ट्राई करते तो आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन बताता है, तो सिंपली आपको जो कि लॉग इन कर रहा है। लॉग इन करने के लिए फ्रेंड आपको इस वेबसाइट पे आना है। इसका भी लिंक फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली वहां पे क्लिक करेंगे आप इस पे आ जाएंगे लॉग इन वाले ऑप्शन पे। यहां से आपको मोबाइल नंबर पासवर्ड कैप्चा डाल के सिंपली लॉग इन करना है फ्रेंड। अगर आपका जो कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन बताते हो तो सिंपली आप यहां पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद फ्रेंड आपका जो पासवर्ड होता है फ्रेंड ये वाला आपका वाली पासवर्ड ही पासवर्ड होता है। सिंपली आप यहां पे जो है कि मोबाइल नंबर पासवर्ड कैप्चा डालेंगे, लॉग इन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम शो कर जाता है। इस तरह से आपको यहाँ पे यूजी रजिस्ट्रेशन के लिए जो कि आपको यूजी अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आप यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे फ्रेंड क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से कैंडिडेट का डिटेल्स खुल गया जाता है। सिंपली आप यहाँ पे फादर्स का नाम बताएंगे, कन्फर्म फादर्स नेम करेंगे। उसके बाद यहाँ से मदर्स का नाम बताएंगे, कन्फर्म मदर्स का नाम करेंगे। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड जेंडर बता देंगे आप अपना, आप मेल है फीमेल है, आप यहाँ से जेंडर चूज कर लेंगे, थोड़ा सा स्क्रोल कर लेंगे फ्रेंड। जेंडर बताने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ से कैटेगरी बताना, आपका कैटेगरी क्या आता है, SC ST WS या BC आपका जो भी कैटेगरी है वो बता देंगे। उसके बाद फ्रेंड आपसे पूछा जाता है फिजिकली हैंडीकैप अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। मिनोरिटी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते तो सिंपली नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपना धर्म बताएंगे फ्रेंड, रिलीजन आप हिंदू है मुस्लिम है जो भी आप बता देंगे। नेशनलिटी फ्रेंड आपका क्या है वो बता देंगे, आप इंडियन चूज कर लेंगे। स्टेट क्या है फ्रेंड आपका जो है कि वो बता देंगे। उसके बाद बस निवास प्रमाण पत्र संख्या है तो फ्रेंड वो यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड अगर आप EWS कैंडिडेट आते हैं तो सिंपली यस करेंगे, नहीं आते तो नो करेंगे फ्रेंड, अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है कि आपके पास आधार संख्या है तो यस करेंगे, यहाँ पे अपना आधार संख्या अगर आप बताना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, यस करेंगे फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड अपना आधार नंबर फिल करेंगे, अगर आपके पास एलिजिबल नंबर है तो वो भी बता सकते हैं या फिर अपना आधार नंबर ही फिल कर सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आपको अपना एड्रेस बताना है, Line 1-2 मिल जाता है आपको, इसमें एड्रेस बताना है। उसके बाद अपना स्टेट बताना है, किस स्टेट से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे फ्रेंड आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बता देंगे। उसके बाद पिन कोड क्या है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे सेम अगर एड्रेस है तो सेम एस पे क्लिक करेंगे, अगर अलग अलग है तो सिंपली फ्रेंड यहाँ पे अलग अलग एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस बताने के बाद फ्रेंड सिंपली आप यहाँ पे 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड यहाँ से आपको जो है कि 10 क्लास का डिटेल्स फ्रेंड बताना है। देख सकते हैं आपको यहाँ पे सिंपली अपना पासिंग ईयर चूज करना है, आप किस साल फ्रेंड पास आउट किए हैं, सिंपली आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाएगा, सिंपली यहाँ से ईयर्स बता देंगे आपने किस साल पास आउट किया, किस मंथ में आपने पास आउट किया वो बताएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे मंथ और ईयर्स आपको आ जाता है, आपका आ जाता है। उसके बाद यहाँ से बोर्ड बताएंगे आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, आपका जो भी बोर्ड फ्रेंड आता है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बोर्ड बता देंगे। उसके बाद यहाँ से अपना रोल नंबर फिल कर देंगे, आपको फ्रेंड लिखित में कितना नंबर आया है फ्रेंड आप वो बताएंगे, आपका टोटल का कितना एग्जाम होता है वो बताएंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाता है फ्रेंड। इसी तरह से फ्रेंड आपको यहाँ पे इंटर का फ्रेंड बताना है, आपको इंटर का भी सेम आपको पासिंग ईयर्स और मंथ बताना है। उसके बाद कौन से बोर्ड से आपने पास किया वो बताएंगे, रोल नंबर क्या है फ्रेंड वो बताएंगे, आपका फ्रेंड इंटर किस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई किया है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स आप वो बता देंगे। उसके बाद आपका कितना नंबर आया था वो बताएंगे, टोटल
आपका 500 का एग्जाम होता है तो वो बता देंगे, परसेंटेज आपका आ जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड सभी को फिल करेंगे। तो फ्रेंड आप यहाँ पे इंटर का सारा डिटेल्स बताने के बाद फ्रेंड यहाँ पे इंटर का आपको सब्जेक्ट वाइज नंबर बताना होता है। आपका इंटर में फ्रेंड आपका 5 सब्जेक्ट है, आपका 5 सब्जेक्ट को यहाँ पे बताना है। सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपका जितने भी सब्जेक्ट है फ्रेंड आपको उस तरह से यहाँ पे बताना है सेलेक्ट करके। जैसे आपका इंग्लिश है, उसके बाद उसमें आपको कितना नंबर आया था, 49 अगर आया है आपका सिंपली उसके बाद आपको जैसे 100 का आपका एग्जाम होता है सिंपली यहाँ पे 100 सेलेक्ट करेंगे और साइड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। फ्रेंड देख सकते फ्रेंड आप इस तरह से जो है कि अपना सब्जेक्ट बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे कितना नंबर आपको मिला है वो बताएंगे, आपका कितना जो कि एग्जाम होता है 100 का एग्जाम होता है वो बताएंगे, साइड पे क्लिक करेंगे परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एड पे क्लिक करेंगे, एड पे क्लिक करेंगे फ्रेंड देख सकते हैं आपका इस तरह से एड हो जाता है। सिंपली इसी तरह से आपको सभी को एड करना है फ्रेंड, ये चीज आप अच्छी तरह से करेंगे। अगर फ्रेंड आपका मिस्टेक होता है क्योंकि ये फिर डिलीट नहीं होता प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि बाद में इसे डिलीट नहीं कर सकते तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा फ्रेंड। तो आप इसको अच्छी तरह से फिल करेंगे, सभी सब्जेक्ट जितने आप मार्कशीट को चेक करेंगे, मार्कशीट में आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे अच्छी तरह से फिल करेंगे, बाद ऐड करेंगे। चलिए फ्रेंड मैं आपको ये सारा चीज फिल करके फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड आप यहाँ पे सारा डिटेल्स आप जो कि आपका इंटर में जितने भी सब्जेक्ट है इस तरह से आप यहाँ पे फिल करेंगे, सभी सब्जेक्ट का नंबर बताएंगे, परसेंटेज आपका साइड में ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से फ्रेंड सब्जेक्ट आ जाता है आपको, बीए चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी फ्रेंड अगर आप कॉमर्स से करेंगे तो आपका जो कि बीकॉम आएगा, अगर बीएससी करेंगे तो बीएससी आपका यहाँ पे आएगा। तो मैं फ्रेंड यहाँ पे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट का जो कि फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बीए ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद फ्रेंड आप किस सब्जेक्ट से ऑनर्स करना चाहते हैं आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पे बता देंगे, आप अपना फ्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑनर्स जो करना चाहते हैं ऑनर्स बताएंगे। उसके बाद फ्रेंड अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप कौन सा कॉलेज रखना चाहते हैं फ्रेंड वो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एड पे क्लिक कर देंगे। देख सकते फ्रेंड आप इस तरह से यहाँ पे सारा डिटेल्स को बताएंगे। ये चीज को फ्रेंड आप ध्यान से अच्छी तरह से सही से फिल करेंगे तभी जाके आपका ये चीज फ्रेंड कंप्लीट होगा, नहीं तो आपको जो कि दोबारा नया नंबर और नया लॉगिन आईडी से आपको जो कि रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन करना होगा। आप इसी तरह से फ्रेंड यहाँ पे जो है कि डिटेल्स बता देंगे। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड जो है कि आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे जो कि डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, जितने आपके यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो कंडक्ट करवाते हैं उसी का यहाँ पे नाम देखने के लिए मिलेगा। सिंपली आप उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग और आप जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो कि कॉलेज खुल के आएगा। सिंपली आप यहाँ से फ्रेंड वो बता देंगे, उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे इसी तरह से ऐड करेंगे। मिनिमम फ्रेंड आपको जो कि 3 से प्लस और 5 से बेसिक कर सकते हैं, मतलब आपका यहाँ पे जितना शो कर रहा है आप सारा डाल सकते हैं, मिनिमम आपको 3 प्लस डालना है फ्रेंड। और फ्रेंड मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी आपको जैसे पता है कि आप ये बीए ग्रेजुएशन आपका 4 साल के लिए कर दिया गया है फ्रेंड, तो इसीलिए बहुत सारे चीज वेबसाइट पे बदलाव किए गए। तो आप किसी भी फॉर्म को फिल करेंगे तो अच्छी तरह से ध्यान से फॉर्म को फिल करेंगे, नहीं तो फ्रेंड कोई भी मिस्टेक हो जाता है या पेमेंट कर देते तो उसके बाद कोई भी आप सुधार नहीं कर सकते फ्रेंड। तो आप अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और जो है अच्छी तरह से फॉर्म को फिल करेंगे। और किसी भी तरह का फ्रेंड आपको समस्या आता है तो कमेंट करके आप जरूर पूछें। देख सकते हैं फ्रेंड आप यहाँ पे इसी तरह से सेकंड कॉलेज चूज करेंगे, एड पे क्लिक करेंगे, एड हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज को बता देंगे, उसके बाद यहाँ पे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको मिनिमम 10 कॉलेज फ्रेंड सेलेक्ट करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड 4 साल का जो है कि कोर्स कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज को बदलाव किया गया। तो फ्रेंड आपको जो है कि पुणे यूनिवर्सिटी का अगर आप फॉर्म फिल करते यूजी के लिए तो इसमें आपको 10 कॉलेज मिनिमम सेलेक्ट करना है, तो ये आपका सेवन नेक्स्ट होगा। तो आपको फ्रेंड जैसे अगर आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट से अगर नहीं होता है तो फ्रेंड आपको जो है कि फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कि आपको 10 कॉलेज पुराना होगा तभी आपका सेवन नेक्स्ट होगा। सेवन नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। सिंपली यहाँ पे जो है कि डिक्लेरेशन देंगे, उसके बाद सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इससे पहले फ्रेंड आप एक बार यहाँ से प्रीव्यू कर लेंगे सारा चीज को। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड आपको यहाँ पे 10 कॉलेज सेलेक्ट किया गया, प्रीव्यू कर लेंगे, सेवन नेक्स्ट करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे, उसके बाद सिंपली यहाँ पे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करें। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है फ्रेंड। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है फ्रेंड, आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है फ्रेंड, जिसमें फ्रेंड रेड कलर में रिक्वायर्ड लिखा हुआ ये आपको मैंडेटरी अपलोड करना है। बट फ्रेंड अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है तो आप सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा फ्रेंड। रेसिडेंटल अपलोड करना है, उसके बाद 10 क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है फ्रेंड यहाँ पे, उसके बाद 10 क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद जो कि इंटर का मार्कशीट फ्रेंड अपलोड करना है। सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड आपका 300 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। सभी डॉक्यूमेंट्स को फ्रेंड आप 300 KB के बीच में रखेंगे, इजिली अपलोड हो जाएगा। सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा और सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैं फ्रेंड एक आपको एग्जांपल पे दिखाता हूँ। सिंपली फ्रेंड आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आपने डॉक्यूमेंट जहाँ भी फ्रेंड रखा है सिंपली आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, उसके बाद ओपन करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है फ्रेंड। इसी तरह से आपको सभी को अपलोड करना है फ्रेंड। सारा डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड अपलोड करेंगे, सिंपली सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड आप सेवन नेक्स्ट जैसे करते उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए पूछा जाता है फ्रेंड। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट आपको 600 रुपए लग रहा है। यहाँ से फ्रेंड आप रिव्यू कर सकते हैं एप्लीकेशन को, सिंपली प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड आपको यहाँ
पे डेमो के तौर पे सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है, आप सिंपली से एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का मिस्टेक लगता है तो फ्रेंड आप सिंपली से यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सुधार कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली से क्लोज कर देंगे। फ्रेंड प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं आपको पेमेंट किया जाता है। फ्रेंड सिंपली यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नाउ वाले ऑप्शन पे फ्रेंड जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI। अब आपको जैसे फ्रेंड बेटर लगता है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो कि चूज करेंगे आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद फ्रेंड 10 सेकंड वेट करेंगे, आप वापस से रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने होम पेज पे। वहां से फ्रेंड आपको रिसीविंग मिल जाएगा, आप किसी भी तरह का छेड़खानी फ्रेंड नहीं करना, आप इजीली पेमेंट करेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा और आपको रिसीविंग मिल जाएगा। 10 सेकंड वेट करेंगे, किसी भी तरह का आप फ्रेंड बैक की छेड़खानी नहीं करेंगे, नहीं तो फ्रेंड आपका पेमेंट फंस जाएगा या प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का फ्रेंड प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछे। आपको हमारा वीडियो फ्रेंड कैसा लगा कमेंट करके बताएं, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।